जज्बात के साथ, अपने जोश और जुनून के साथ पूरी दुनिया के अंदर ये युवा परचम लहरा रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तमाम लोगों के लिए एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं जिससे हमारी आने वाली नस्लें और हमारे आने वाले अकाबिर, हमारे आने वाले लोग जो ये युवा के लोगों को याद करें और कहें कि एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा दौर था जब ये युवा के लोगों ने उन लोगों से लड़ाइयां की थी, उन हुकूमत से लड़ाइयां की थी जो हुकूमतें अनपढ़ और गवार थी, जो हुकूमतों के मुस्तकबिल, जिन हुकूमतों के मुस्तकबिल लोगों, मैं मानता हूँ कि जिनके पास आर्मी की डिग्री नहीं थी। मेरे भाइयों, मैं कह देना चाहता हूँ कि न जाने कितने दुश्मन इन लोगों के रहे होंगे, न जाने कितने दुश्मन इन लोगों ने पाले होंगे, न जाने कितने मुखालिफ इन लोगों के होंगे। कह देना चाहता हूँ, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी कि एएमयू को अपना मुखालिफ बनाया है। मैं कह देना चाहता हूँ, आपको इस बार ही नहीं, अगली बार ही नहीं, तामर सत्ता में नहीं आने देंगे हम लोग। मेरे भाइयों, आप तमाम लोगों ने उन शेरों के आगे अपना झगड़ालू ये बर्ताव दिखाने की कोशिश करी, जिससे आपको, मैं जानता हूँ, कोठियों के अंदर बैठकर आज इतना बड़ा एहसास और ये जाहिर हो रहा होगा कि आज हम लोगों की क्या औकात और हम क्या औकात रखते हैं। मेरे भाइयों, ये कुछ जानने और पहचानने वाले नहीं थे, ये नहीं जानते थे जिन्ना को भी, लेकिन इन्होंने एक ऐसी, मेरे भाइयों, मैं कह दूं कि आग लगा दी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल रही है। और एएमयू के साथियों ने, एएमयू के बहनों ने, भाइयों ने ये दिखाने की कोशिश की, कोई प्रोटेस्ट आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी की तरह नहीं करते हम लोग, हम प्रोटेस्ट इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से पिछले 7 दिनों से आगे आप हो चुके हैं। मेरे भाइयों, एक एएमयू के लिए शेर कहना चाहता हूँ, लगते जिगर एएमयू पर, लगते जिगर एएमयू पर, हम जान निछावर कर देंगे, अगर एएमयू ने हमसे मुंह मांगा, हम एएमयू का दामन भर देंगे। अफसोस करता हूँ मैं कि मैं एएमयू का छात्र नहीं हूँ, अफसोस है मुझे। मेरे भाइयों, आज मुझे एहसास हुआ जब मैं 100 किलोमीटर दूर के फासले से आप तमाम लोगों से मिलने रूबरू होने आ रहा था, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां की तादाद इतनी है कि इन लोगों को स्पष्ट करने में वो कामयाब इंशाल्लाह जरूर होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे गर्व हुआ अपनी बहन पर जो इस एएमयू का हिस्सा रह चुकी है, उसने कहा नहीं, कोई करने और दबने की जरूरत नहीं, हम एएमयू के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, मैं कह देना चाहता हूँ, इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी में हम मिल जाएंगे, न बुलाए तुम्हारे आए थे, न भगाए तुम्हारे जाएंगे। जहन में रख लो इन बातों को, दिमागों में उतार लो इन बातों को, सिर्फ 5 साल के लिए आए थे आप, मैं वादा करता हूँ तामर जब तक हमारी पीढ़ी हिंदुस्तान के अंदर है, आपको इंशाल्लाह सत्ता में हम लोग नहीं बैठने देंगे। मेरे भाइयों, इसी तरह एक हमारे कस्बे में पिछली 26 जनवरी के दिन मेरे भाइयों, इन लोगों ने, क्या यूं कहूं, ऐसे आतंकवादी संगठनों ने माहौल का, या मैं ये कहूं नगर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इन लोगों ने तलवारों को हाथों में लेकर इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती की, कॉन्स्टिट्यूशन को नंगा नाच दिखाया। मेरे भाइयों, उस दौरान हमारी युवा जनसेवा समिति थी, वो रजिस्टर समिति ने एक कदम उठाया और वो 4,000 थे उनके सामने, 10,000 लोगों का मजमा खड़ा करने का हमने कार्य करा। और वादा करता हूँ उन लोगों से जिनका नुकसान हुआ था, आगे हम 15 अगस्त के दिन ऐसी रैली शायद ना कर सके, क्योंकि प्रशासन हम लोगों को दबाएगा तो दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन वादा कर देना चाहता हूँ उन साथियों से जिनका नुकसान हुआ था, उनका नुकसान फिर से 15 अगस्त में दोहराया नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, मैं बहुत दूर से आप तमाम लोगों के बीच हाजिर होने के लिए आया हूँ और शुक्र अदा करता हूँ तमाम लोगों का जो आज मौजूद है, ये आज से 7 दिन से लगातार मौजूद थे। आप अपनी हिम्मत पस्त मत होने दीजिए मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि ये वक्त है जब इतिहास लिखा जाएगा, और जब इतिहास के अंदर ये लिखा जाएगा कि एक ताकत एएमयू थी जिससे इन हुक्मरानों ने टक्कर लेने की कोशिश की और घुटनों के बल उनके सामने गिर गए, उनके सामने पस्त हो गए। मेरे भाइयों, बड़ा दुख होता है आज हम इस प्रदेश और इस देश के अंदर अपने आप को, अपने शहीदों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश जिसमें हमारे शहीद ऐसे ऐसे निकले, हमारे अकाबिर ऐसे ऐसे निकले, वीर अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के तमाम टैंकरों को खाक कर दिया। मेरे भाइयों, हम अल्लामा इकबाल के मानने वाले हैं, हम एपीजे अब्दुल कलाम के मानने वाले हैं। हमें आतंकवाद मत कहो, इस एएमयू को आतंकवाद मत कहो, ये एएमयू वो गुलिस्तान है जहां से हजारों लाखों करोड़ों फूलों ने इस देश को महकाने का अपनी खुशबू से काम किया है। मेरे भाइयों, आपकी औकात इतनी गिर गई
इन हुक्मरानों की औकात इतनी गिर गई कि आज ये इनके सामने खड़े हैं, ना जाने किस किस के सामने खड़े हुए होंगे। और मैं कह देना चाहता हूँ इनकी औकात नहीं, और खुशी हुई वाइस प्रेसिडेंट साहब को देखकर जब उन्होंने इन लोगों को एक पेन भेंट करने का कार्य करा। वो पेन ये दर्शाता है कि इन पर लोगों को जरूरत है, जब फिर चले स्कूलों में जाए, शिक्षा लें और फिर से सरकारों में काम करने का कार्य करें, क्योंकि